टेंस का तात्पर्य होता है काल अथवा समय। समय जो होता है वो किस प्रकार होता है, टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई। आमतौर पे हम सामान्य तौर पे बात करते हैं, हर कोई हमें से सलाह देता है कि यदि आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो आप टेंस सीख लीजिए, टेंस की मदद से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि टेंस स्वयं अंग्रेजी भाषा का शब्द ही नहीं है। टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुई। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुई। टेम्पस दो शब्दों से मिलकर बना है, टेम प्लस पस। टेम का तात्पर्य होता है समय, पस का मतलब होता है बीतना, अर्थात टेम्पस का शाब्दिक अर्थ है समय का बीतना। समय तीन प्रकार से बीतता है, अर्थात टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग सामान्य तौर पर हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन या सामान्यतः जो कार्य सामान्य रूप से होता है, इस बात को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी में जो पहचान होगी वो होगी यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में किसी क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि हो तो क्रिया का रूप। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम हो तथा वाक्य पॉजिटिव वर्ब वाला हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो उसके साथ में हम प्रयोग करेंगे डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम हो और वाक्य पॉजिटिव हो तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो उसके साथ में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पे हमें हिंट के रूप में देखना है वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक नोट ध्यान में रखना आपको, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स और जेड हो तो वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करेंगे, तथा वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन ही होना चाहिए। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, यह एक पॉजिटिव वाक्य, सकारात्मक वाक्य है। यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि राम फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है, राम एक वचन करता है, और इस वाक्य में वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है खेलना, खेलना इट मीन्स प्ले, और वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, इसलिए क्रिया के साथ एस का ही प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव वाक्य बनाने का सूत्र, सकारात्मक वाक्य कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पैटर्न देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और यदि कोई अन्य शब्द होता है तो अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। राम फुटबॉल खेलता है, यहां पे फुटबॉल खेलता है, कौन खेलता है, राम, इसलिए इस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति है वो राम हो गया। राम का काम क्या है, यहां पे खेलता है, यह हो गई वर्ब हो गई। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, एज ऑब्जेक्ट ग्रुप में यह काम करेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राम प्लेज फुटबॉल। प्लेज क्यों आया, क्योंकि राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या आई एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए इस वाक्य का पुनः बता देता हूं कि राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल। सिंपल के तहत दूसरा प्रकार का वाक्य है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से तात्पर्य होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने का जो पैटर्न, जो सूत्र है, सबसे पहले हम काम में लेंगे सब्जेक्ट,
दूसरे नंबर पे कहा मिलेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एकवचन है तब तो डज काम में ले लेंगे, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है प्लूरल है तो डू काम में ले लेंगे। तीसरे नंबर पे कहा मिलेंगे नॉट। फिर चौथे नंबर पर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवें नंबर पर लेंगे ऑब्जेक्ट। छठे नंबर पर लेंगे यदि कोई वाक्य में अन्य अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। और सातवें नंबर पर लगा देंगे फुल स्टॉप। एज एग्जाम्पल राम चाय नहीं पीता है, तो इस वाक्य में आ गया नहीं। नहीं का मतलब होता है यहाँ पे नॉट। नॉट नकारात्मक बात को दर्शाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट रूप में है कि चाय नहीं पीता है। कौन नहीं पीता है? राम नहीं पीता है, इसलिए सबसे पहले आ गया राम। राम नहीं पीता है, राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा डज, तो फिर डज नॉट हो गया। पीना टेक टी, तो यहाँ पे वाक्य हो गया राम डज नॉट टेक टी। यहाँ पे आपको मैं स्पेशल तौर पे बता देता हूँ पीना शब्द के लिए काम आपको कैसे काम में लेना है। कुछ विद्यार्थी काम में लेते हैं ड्रिंक, कुछ लेते हैं टेक। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से तात्पर्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वाक्य होते हैं सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। सहायक क्रिया से वाक्य शुरू कब होंगे? यदि किसी प्रश्न के जवाब हाँ या ना में आने की हो, यानी किसी क्वेश्चन का आंसर यदि यस या नो में आता है तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और यदि वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसको इत्यादि शब्द आते हो तो वाक्य की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से करेंगे। अर्थात यदि किसी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं आता हो तब हम इस कंडीशन में डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य की शुरुआत करेंगे। एज एग्जाम्पल क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो? यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला पूछ रहा है हमसे क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो। यदि हम विद्यालय रोज जाते हैं तब तो हम कहेंगे यस, और यदि नहीं जाते तो कहेंगे नो। और यदि प्रश्न का आंसर जब यस या नो में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे। यहाँ पे राम क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली। सबसे पहले विद्यालय जाता है कौन, किसके बारे में पूछा जा रहा है? तुम का मतलब हो गया यू। यू यहाँ पे प्लूरल हो गए इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम मिलेंगे डू। डू यू गो टू स्कूल डेली। तुम्हारे पिताजी ऑफिस कब जाते हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला हमसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ऑफिस कब जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर यस या नो में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा कब, किसी न किसी समय को दर्शाना पड़ेगा। इसका प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं आ रहा है। वाक्य के बीच में आ गया कब, तो कब का मतलब होता है वेन। वेन डब्ल्यू एच वर्ड है, वेन से वाक्य शुरू करेंगे। और यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी जो है योर फादर, वह सिंगुलर को दर्शाते हैं इसलिए आएगा डज। वेन डज योर फादर गो टू ऑफिस। प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत हम चौथा प्रकार का वाक्य पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन मार्क्स भी हो और उसके अंदर नकारात्मकता का भाव भी हो। यदि प्रश्न का आंसर हाँ या ना में हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो सूत्र बताया जा रहा है सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एस एस यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। एज एग्जाम्पल क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो इसका उत्तर भी यस या नो में आने की संभावना है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डू। सब्जेक्ट के रूप में आ गया यू, क्रिया के रूप में आ गया नॉट टेक, ऑब्जेक्ट आ गया टी। क्या तुम चाय नहीं पीते हो? डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। यदि प्रश्न का जवाब यस या नो में नहीं हो तो, कई बार क्या होता है यस या नो में प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो इस प्रकार के वाक्य की शुरुआत करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से। तो इसका पैटर्न हो जाएगा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, एस यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क्स। तुम रोजाना विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? या फिर प्रश्न पूछना हमसे पूछ रहा है क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल
डेली तुम रोजाना विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? शेष हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के उपयोग, कि हम प्रेजेंट सिंपल के उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल की क्रिया का प्रयोग कहां करेंगे हम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद है कि आपने बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखा। प्रतिदिन मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।